Somebody speaking so much fluent English was an honor for me. Thank you for conducting the program in such a wonderful way. It is an honor. God bless. Thank you. Come on. बच्चियां टेंथ और बच्चे और बच्चे टेंथ में अच्छे नंबर आज से पास होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इनामात देती है वहां पे बच्चों की खिदमत के लिए ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज है फार्मास्यूटिकल कॉलेज है एमबीए एमसीए हर एक तरीके का वहां पे बच्चों को आगे बढ़ने की सहूलत है हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं हाँ कभी वक्त होती है हमारी मजबूरी हमारी तादाद के हिसाब से पर ये बात तो सही है कि वहां पे बिल्कुल हम आपके लिए सिर्फ साथ हैं मगर 700 के बराबर है आपके आगे वाली हर एक मुहाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हैं सद्दाम व्लॉग एनआरपीटी चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो मॉडर्न हाई स्कूल नारायणपेट से वीडियो है। दोस्तों हैदराबाद से जो नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन साहब जो सालार मिल्लत आल इन वन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड किए जो इसे बुक उसका ये वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में हमारे साथ आप लास्ट तक ज़रूर जुड़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तमाम नारायणपेट के लोगों और बच्चों से गुजारिश करता हूं कि ये जो बुक्स आपको दे जा रहे हैं ये सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवेसी साहब की तरफ से और उनके दो फर्जंद असदुद्दीन अवेसी एंड अकबरुद्दीन अवेसी की मेहनतों का नतीजा है। आज एआईएम इस वक्त लेवल पर पहुंची हुई है। हम तमाम दोनों का और फादर मोहतरम का शुक्र गुजार हूँ ऐसे नौजवानों को छोड़कर और कौम की रहबरी करने के लिए आगे करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर माजिद हुसैन साहब टू एड्रेस द फंक्शन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنشيف تشريف فرما علي جناب عزت عمر جابر بن سعيد صاحب خادم صاحب ڈسٹرکٹ صدر تخی جان صاحب ٹاؤن صدر سید محمود صاحب سیکرٹری ٹاؤن شہاب الدین جان صاحب مشرر تخی پیر صاحب جوائنٹ سیکرٹری طاہر صاحب جوائنٹ سیکرٹری ذاکر ایڈوکیٹ صاحب محمود صاحب سجو صاحب हमारे साथी जफर खान साहब सुभान साहब इकबाल साहब और हमारे बड़े अब्दुल खादिर साहब अब्दुल फजल साहब। तकरीर करने से पहले बिल्कुल ये कहूँगा कि ये चांस था आपको यहाँ पे ठहर के सुनना और करीबन 3 दिन से मैं महबूब नगर के अलग अलग इलाकों में और अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके तकसीम किया हूँ और अलहमदिल्ला सुकून यहाँ पे मिला क्योंकि ये प्रोग्राम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाद से हुई। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये बरकत आप पे भी रहेंगे और अल्लाह ताला इन ये बरकत से आपको कामयाबी देगा। हमारा यहाँ आने का ख़ास मकसद ये है कि हम मेरे साथ जावेद भाई साहब और तमाम इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार आपके दरमियान में सदर मजलिस की हिदायत पर आए हैं ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के तमाम गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट इदारों में जो बच्चे 10th क्लास का एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं उनके दरमियान में ये बुक्स दें, ये ऑल इन वन गाइड दें ताकि जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम आगे जा के लिखने वाले हैं उनको उनके एग्ज़ाम में मदद हो, आप अच्छी तरीके से उस एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हमेशा ये कोशिश रही है कि उर्दू मीडियम मदारिस को बरकरार रखे, उसको आगे बढ़ाए। हालांकि अगर आप देखें यहाँ पे जो टीचर्स मौजूद हैं जो आपकी रहबरी करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको तालीम याफ्ता बनाने के लिए पुरजोर जद्दोजहद करते हैं, इनको पता है कि उर्दू मीडियम मदारिस का दूसरे रियासतों में क्या हाल है। यहाँ पे हमारे उर्दू मीडियम मदारिस आगे के साथ साथ जो बरकरार है और मजबूती से जो जुड़े हुए हैं वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। सालेह मजलिस मिल्लत की कोशिशें हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब और अकबरुद्दीन अवेसी साहब की नुमाइंदगी है। नहीं तो ऐसी क्या बात है, हमें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिताने वाले
और एमपी बनाने वाले और एमएलए बनाने वाले लोग हैदराबाद में मौजूद हैं। मरमल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे इलाकों में भी जाकर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इन बुक्स का किताबों की तकसीम करती है जहाँ पे उनके काउंसलर भी मौजूद नहीं, ऐसे इलाकों में भी जाकर इन बुक्स की तकसीम करती है जहाँ हमारा तंजीम भी नहीं। मकसद ये नहीं है कि हमें सियासी तौर पे अपने आप को मकसद मजबूत करना, मकसद ये है कि जो भी उर्दू मीडियम मदारिस में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई और उनकी हौसला अफजाई करना। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर साहब के अल्फाज मैंने सुने हैं और उनके जो ख्यालात हैं मैंने देखे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल को अगर हमारे आगे बढ़ाना है तो तालीम को मजबूत करके ही बढ़ाया जा सकता है, जिसकी मिसाल अकबरुद्दीन अवेसी साहब ने हैदराबाद में दी है। 13 से ज़ायद अवेसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद की अवाम की खिदमत में मौजूद है जहाँ पे 7,000 से ज़ायद बच्चे फ्री में तालीम हक हासिल कर सकते हैं। ना कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना कोई और की उसमें साथ है। अकबरुद्दीन अवेसी साहब अपने अकेले अपने खुद की बुनियाद पर अपने जाती खर्चों से वहाँ पे 7,000 बच्चों को एक कॉर्पोरेट स्कूल के माहौल में वहाँ के बच्चों को वहाँ पे तालीम याफ्ता करा रहे हैं। आप यहाँ पे तकरीबन जो ज्यादातर लोग हैं बड़े कम बुजुर्ग हैं और बहुत कम टीचर्स हैं और ज्यादातर ऐसे बच्चियां और बच्चे हैं जो शायद 14 साल के हो। आपके सामने ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी ये देखना है आगे जाकर कि आपकी रहबरी कौन करना चाहेगा। अकबरुद्दीन अवेसी साहब ऐसी शख्सियत है जिनके स्कूल में सबसे पहले अगर किसी को एडमिशन मिलता है तो उस बच्चे को उस एडमिशन मिलता है जिसके सर पे उसके वालिद का साया नहीं। ऐसे घरानों को वो आगे बढ़ाते हैं और कोशिश उनकी ये है कि वहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर घर का एटलीस्ट एक बच्चा पढ़ा लिखा हो ताकि वो अपने घर को अच्छी तरीके से संभाल सके। ये सोच कौम को आगे बढ़ाती है, ये नजरिया कौम को आगे बढ़ाता है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे बड़े टीचर्स भी हैं और सीनियर लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरे नौजवान साथी है। आपने कई एमएलए हजरात में यहाँ पे देखा, कई एमपी को अपनी कुर्सी पे बैठते हुए देखा उतरते हुए देखा, कई एमएलए को अपनी कुर्सियों पे बैठते हुए देखा उतरते हुए देखा, कई हुकूमतों को आपने देखा। बताइए कोई एक ऐसी सियासी जमात जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जेब से अपने मफाद को छोड़ते हुए अपनी सियासी मफाद की फिक्र ना करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए काम करती है। कहाँ रहते हैं ये लोग जब इलेक्शन हारते हैं और हुकूमत से उतरते हैं, बच्चियाँ टेंथ और बच्चियाँ और बच्चे टेंथ में अच्छे नंबर से पास होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इनामात देती है। वहाँ पे बच्चों की खिदमत के लिए ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मास्यूटिकल कॉलेज है, एमबीए, एमसीए, हर एक तरीके का वहाँ पे बच्चों को आगे बढ़ने की सहूलत है। हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, कभी वक्त होती है हमारी मजबूरी हमारी तादाद के हिसाब से, पर ये बात तो सही है कि वहाँ पे बिल्कुल हम आपके लिए सिर्फ 7 है, 700 के बराबर है। आपके आगे वाली हर एक मुहिम काम करते हैं, असेंबली का ऐसा कोई रिकॉर्ड यहाँ के बच्चों आप देखो। आजकल आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, गूगल करते हैं, कभी देखो तो सही उठकर कोई फॉर्म की नुमाइंदगी करता है क्या? ऐसा कोई रिकॉर्ड असेंबली में नहीं बता सकते जहाँ पे उठकर उर्दू मीडियम मदारिस के बारे में सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उठ के कोई बात करता है, हमारे तरक्की हमारे रोजगार के बारे में छोड़कर सिवाय मजलिस के अंदर कोई बात नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है, इल्जामात भी हम पर ही आते हैं, उंगलियां भी हम पर उठाई जाती है और कहा जाता है कि ये दूसरों को फायदा पहुंचाता है। उस शख्स पे उंगलियां उठाई जाती है जो अपने घर की बड़ी बेटी की शादी छोड़कर ऐवाने पार्लियामेंट में जाकर शरीयत के लिए लड़ता है। उस शख्स पे उंगलियां उठाई जाती है जो अपनी गाड़ियों पे गोलियां चलाता है और आपके लिए नुमाइंदगी करता है। उस शख्स पर उस जमात पर उंगलियां उठाई जाती है जो मुसलमानों के लिए 13 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं और 7,000 से ज्यादा यतीम बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं। उन पर उंगलियां उठाई जाती है जो वक्त के हुक्मरानों के सामने ठहर कर आपकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, ये बात अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे खदीर साहब ने मेरे बारे में कहा, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी भी वालदा एक रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस थे, मेरे वालिद एक रिटायर्ड
गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो गजेटेड पोस्ट पे रिटायर हुए, हमने भी जिद्दोजहद की, हमने भी काम किया, मगर हमने देखा कि मजलिस संभाली लिए क्या काम करती है, किस तरीके से नुमाइंदगी करती है, किस तरीके से हौसला अफजाई करती है और किस तरीके से मजबूती देती है। सदर मजलिस ने खास तौर से आप तमाम बच्चों के लिए पैगाम भेजा है और उनकी दुआएं हैं कि आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो, उनकी दुआएं हैं कि आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो, आप अपने घर का नाम रोशन करें इंशाल्लाह, अपने वालदैन का नाम रोशन करें, आप अपने स्कूल का नाम रोशन करें और इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं अल्लाह उसके लिए आपके रास्ते आसान करें। मगर यहाँ पे एक बात फिर से मैं कहना चाहता हूँ जो बार बार मैंने सदर मजलिस की जुबानी सुनी है और ये आपको सुनना जरूरी है। सदर मजलिस बार बार ये कहते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि बार बार उनकी बात आपके सामने रखूं। सदर मजलिस हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा तालीम याफ्ता होता है तो अपने आप के लिए तालीम याफ्ता होता है, मगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होती है तो वो उसकी नस्लों के लिए फायदा पहुंचाती है। तो मेरी बेटियों, मेरे बच्चियों, मेरी बात समझो, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर गैर मामूली जिम्मेदारी निभाई दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस तरीके से बनाया है कि अगर आप अच्छा पढ़ोगी, अच्छा लिखोगी तो आने वाला मुस्तकबिल बेहतर होगा। आप हमारे लिए तो ये फरमाया गया है, मेरे भी बेटियां हैं, हमारे लिए तो ये फरमाया गया है अगर आपके घर में बेटियां हो उनको सही तौर पे तरबियत करो, अच्छी तरबियत करके उनका निकाह करके भेजो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तौर पे बात रहेगा, वो खुशकिस्मती आप हमारे लिए लेके आती है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कौम के लिए और तमाम घराने के लिए। आपको मजबूत होना पड़ेगा, जब ये किताब आपके हाथ में आए इसको जुनून से उठाओ, इसको मजबूती से उठाओ, कोशिश करो कि आप बेहतरीन नंबरात से पास हो। आपके ऊपर उम्मीदें लगी हुई है आपके वालदैन के, आपके ऊपर उम्मीदें लगी हुई है कि मेरी बेटी तरक्की करेगी आगे बढ़ेगी, मेरा बेटा तरक्की करेगा आगे बढ़ेगा। आपके ऊपर अपने वालदैन को फखर में लाने का एक सुनहरा मौका है और मैं यकीन है, मुझे उम्मीद है इन हिजाब पहनकर बैठी हुई मेरी जियाली बच्चियों से और मेरे बच्चों से जो के आप इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अपने इंतखाबात में बेहतरीन स्कोर करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमेशा हमें फखर से ठहरने का मौका देंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे और कौम की आने वाली नस्लों को भी मजबूती लाएंगे। बस इन्हीं चंद गुजारिश के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। सदीक सर, इट वॉज एन ऑनर हियरिंग फ्रॉम यू। Thank you.